80% से ज्यादा स्टूडेंट्स क्लासरूम लेक्चर्स में फोकस नहीं कर पाते क्योंकि एक सिंगल टीचर 50-60 स्टूडेंट्स को 100% अटेंशन नहीं दे पाती। अब आप सोचेंगे इसका सोल्यूशन क्या है, सो लेट मी इंट्रोड्यूस वन और वन टीचिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम वसीम सर ट्यूटोरियल्स, जहां पर हर एक स्टूडेंट को एक डेडिकेटेड टीचर प्रोवाइड किया जाएगा जो उन्हें उनके स्टडी पेस के हिसाब से गाइडेंस और अटेंशन देंगे। हर एक स्टूडेंट का कस्टमाइज तरीके से टेस्ट सीरीज डिज़ाइन किया जाएगा। अगर आपको भी इसी तरीके का स्टडी एनवायरनमेंट चाहिए तो आज ही हमें कॉन्टैक्ट करें दिए गए नंबर पर। कोरोना दे रहा है दोबारा दस्तक। देश के चार राज्यों में केंद्र तथा राज्य सरकारों ने जारी की हेल्थ एडवाइजरी। केरल में कोरोना के नए सब वेरिएंट के कारण हुई एक मौत। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, चाइना और सिंगापुर, हांगकांग में कोरोना के हालात चिंताजनक बनते जा रहे हैं। अब उसके बाद फिर एक बार भारत के कुछ राज्यों में कोरोना को लेकर चिंता का माहौल बना हुआ है। तीन विदेशी देशों के बाद भारत में उत्तराखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और केरल, इन चार राज्यों में केंद्र तथा राज्य सरकारों ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। केरला में कोरोना का नया जो सब वेरिएंट JN1 सामने आया है, इस JN1 इस सब वेरिएंट की वजह से एक मौत हुई है और यहां पर कोविड की केसेस अचानक बढ़ने लग गई है। पूरे देश में मंगलवार को यानी 19 दिसंबर तक 288 नई केसेस फिर से पाई गई। एक्टिव कुल केसेस जो है उनकी संख्या 1970 तक पहुंच चुकी थी। अब इन हालात को देखते हुए केरल में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में और पश्चिम बंगाल में केंद्र तथा राज्य सरकार ने नई हेल्थ एडवाइजरी जारी की है और तमाम आपदाजनक कोरोना को लेकर के जो स्थितियां अगर आ सकती है तो उनसे निपटने के लिए उपाय योजना की जा रही है। केरल में एक मौत के बाद कर्नाटक में 60 वर्ष तक के आयु वाले लोगों को मास्क अब अनिवार्य कर दिया गया है, मास्क कंपल्सन कर दिया गया है। यानी कि आपको कहीं पर भी सार्वजनिक जगहों पर निकलना है, आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे ज्यादा है तो आपको मास्क हर हाल में इस्तेमाल करना है। केंद्र द्वारा दी गई एडवाइजरी के चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव सुधांशु पंत ने जो पत्र इस संबंध में जारी किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर सभी राज्यों में, केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में क्या तैयारियां चल रही है, किस तरीके से कोरोना पॉजिटिव मरीजों को खोजा भी जा रहा है, इस संबंध में जो कदम उठाए जा रहे हैं सब कुछ हम आपको अपनी इस खबर में दिखाएंगे। आपको बता दें केरला में अब कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में चिंता का कोई मामला नहीं है और केंद्र तथा राज्य सरकारें मिल करके इस बीमारी का फिर से मुकाबला करने के लिए सक्षम है, ऐसा सचिव सुधांशु पंत ने अपने पत्र में भी लिखा है। वहीं इन चारों राज्यों के सीमाओं पर खास करके आने जाने वाले लोगों की मेडिकल जांच जो है वो प्रमुख रूप से की जा रही है कि किसी भी तरह का JN1 नाम का ये जो कोरोना का नया सब वेरिएंट आया है केरला में, इसकी वजह से जो मौत हुई है तो ये है इसका फैलाव ज्यादा ना हो। इन्फ्लुएंजा की केसेस पर खास करके ध्यान रखा जा रहा है, निमोनिया की केसेस पर खास करके ध्यान रखा जा रहा है और हर तरह की उपाय योजना भी की जा रही है। US, चाइना और सिंगापुर के बाद क्या भारत में कोरोना वाकई दस्तक दे रहा है? चार राज्यों में चिंता का माहौल है तो वहीं दिल्ली ने आने वाले क्रिसमस और 31 दिसंबर के तमाम पब्लिक फेस्टिवल्स को ध्यान में रखते हुए यहां पर भी एडवाइजरी जारी की है। तो कुल मिलाकर के हालात थोड़े चिंताजनक है लेकिन सरकारें और मेडिकल फील्ड दोनों मिलकर के जो है, केंद्र तथा राज्य सरकारें, ये सभी मिलकर के कोरोना से अगर इस तरह का कोई खतरा आता है कि इस तरह की कोई वेव फिर से आती है, लहर आती है तो उससे लड़ने के लिए जो है हर तरह की उपाय योजना भी कर रहे हैं। तो फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं।